गुजरात के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। वडोदरा के बड़े हिस्से में भरा पानी, ड्रोन से ली गई बाढ़ की तस्वीर। वडोदरा के विश्वामित्र नदी में आई बाढ़ से वारसिया इलाके में सड़क पर निकला मगरमच्छ, लोगों में दहशत। रेस्क्यू टीम ने वन विभाग को सौंपा। गुजरात के मोरबी में भी बाढ़ से बिगड़े हालात, बांध से पानी छोड़ने से नदियों का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, उफान पर नदियां, शहर में घुटनों तक पानी भरा। कोलकाता कांड और हिंसा के खिलाफ 12 घंटे का बंगाल बंद, बीजेपी का शहर शहर हंगामा, कई ट्रेनों को रोका गया। कोलकाता के एमजी बाजार में आगजनी, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में उग्र प्रदर्शन। की धमकी पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, कहा हमें मत दिखाइए लाल आंखें, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को चलाने की मत कीजिए कोशिश। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता कांड पर जताई नाराजगी, बहुत हुआ जब कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और लोग कर रहे थे प्रदर्शन, खुलेआम घूम रहे थे अपराधी। राष्ट्रपति के बयान पर विपक्ष ने उठाए सवाल, टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा आपको ओडिशा यूपी नहीं दिखता, जब साक्षी मलिक प्रदर्शन कर रही थी तब आप मौन क्यों थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, ममता की शिकायत की राष्ट्र विरोधी बयान देने पर उकसाने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनके अंदर घुस गई है जिन्ना की आत्मा, इनका भी वही हश्र होगा। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, नेता अमित जमई ने कहा उपचुनाव की हार का डर याद दिला रहा है जिन्ना का। मोदी कैबिनेट की बैठक में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को मंजूरी, 10 लाख की योजनाओं को सीधी और परोक्ष रूप से 30 लाख लोगों की मिलेगा रोजगार। कैबिनेट मीटिंग में रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी, एग्री फंड को भी बढ़ाने का फैसला, 234 शहरों में एफएम रेडियो की सुविधा। रांची पहुंचे पूर्व सीएम चंपई सोरेन का ऐलान, आज दूंगा मंत्री पद से इस्तीफा, कहा जासूसी से नहीं डरता, झारखंड के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा खतरा। बीजेपी में चंपई सोरेन के शामिल होने के ऐलान पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, हम क्यों होंगे नाराज, हम भी खुश हैं, पूरी बीजेपी भी खुश है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर छत्रपति, शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा एनडीए काल में बनी इमारतों की हालत खराब, जबकि नेहरू जी के समय बने संस्थान आज भी सलामत, बीजेपी को देना होगा जवाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा इस घटना को लेकर हो रही है राजनीति, चुनावी चश्मे से देख रहा है। तिहाड़ से रिहाई के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता के कविता, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यूपी के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज, यूपी के वन मंत्री ने ली बैठक, 35 से ज्यादा गांवों तक फैली दहशत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत, मामले में आरोपी और कोचिंग सेंटर के सीईओ की याचिका खारिज, क्लास को फिर से शुरू करने और भवन परिसर खोलने की नहीं मिली इजाजत। भारतीय नौसेना को गुरुवार को मिलेगी अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, रक्षा मंत्री और CDS जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में होगी शामिल।